हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट के 2 महीने काफी बैड गए हैं। कोई मोबाइल रिसेंटली में लॉन्च नहीं हुआ है। न्यू ईयर की स्टार्टिंग में आपको काफी सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जो कि आपको इजीली देखने को मार्केट में मिल जाएंगे, या यूं कहें कि हर रोज एक मोबाइल, या यूं कहें कि हर एक दिन छोड़ के एक मोबाइल आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल होने वाला है, या यूं कहें कि लॉन्च होने वाला है गाइस। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि काफी सारे ऐसे मोबाइल थे जो पिछले साल लॉन्च होने वाले थे लेकिन 2022 में होंगे, तो जाहिर सी बात है कम डाउन पे होंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 2022 में जो भी मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर उनसे अवेयर रहे कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है। तो प्लीज अगर आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो वहां से आप खरीद सकते हैं। इवन मैं तो हूँ यार, आप लोगों के लिए वीडियो डेली क्रिएट करता ही रहता हूँ कि कौन सा मोबाइल कब लॉन्च होना है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जितने ही मोबाइल लॉन्च होंगे मैं हर किसी को वीडियो बनाऊंगा। तो जाहिर सी बात है आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें प्राइस भी ओपन करता हूँ, डिटेल्स भी सारी के सारे मोबाइल्स के फीचर्स के बारे में ओपन करता हूँ, इवन कैमरा तक की बात हम करते हैं इसके। तो गाइस बेसिकली आज जो मैं बात लेके आया हूँ वो सॉरी मोबाइल लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मोटोरोला का G41, जिसे स्पेशली G41 के नाम से जाना जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अदर कंट्री के अंदर ये जो लॉन्च हुआ है ये किसी अदर नाम से हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर की बात करेंगे हम तो मोटो G41 के नाम से ये लॉन्च होने वाला है गाइस। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटाबेस होता है वहां पे ये ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, तो यानी कंफर्म हो चुका है गाइस कि ये लॉन्च होना है पक्का। तो गाइस चलिए इस मोबाइल पे हल्की से एक छोटी सी नजर मारते हैं कि हमको ये कितने प्राइस का मिलेगा, कैमरा क्या होगा, स्पेसिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या मिलने वाले गाइस। हर रोज एक वीडियो क्रिएट करता हूँ यार मैम, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये मोबाइल लॉन्च हो रहा है, इस मोबाइल को आप खरीदें या ना खरीदें वो आप पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट मेरा काम है आप लोगों को बताना कि उसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है, कहीं आप ज्यादा पे करके तो नहीं ला रहे, क्योंकि आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा एक मोबाइल होता है ऑफलाइन मिल रहा है एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए का, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन पे खरीदोगे तो वही मोबाइल आपको 6 रुपए का। तो ऐसे क्यों डिफरेंस आ रहा है गाइस? क्योंकि उसके फीचर्स थोड़े डिफरेंस है, या फीचर्स की नॉलेज आपको या मुझे नहीं है, डेट्स इट। तो मैं वही काम करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, एक्चुअल में इसका रेट उतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो गाइस आज जो मोबाइल अब जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है वो मोटोरोला का G41 की सीरीज है, वो लॉन्च होने वाली है। 5G मोबाइल है, इजिली मार्केट में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि इसके अभी आज की डेट तक की अगर हम बात कर रहे हैं इवनिंग तक की, तो गाइस काफी सारी इस पे ऑलरेडी गूगल पे इस मोबाइल को सर्च कर लिया गया है, उसी से डेटा कलेक्ट कर लिया गया है कि कितने लोग इस मोबाइल को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मेक श्योर आप भी उस लाइन में आ जाएंगे वीडियो देख रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड V11 का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करेंगे गाइस इसके अंदर तो मीडियाटेक हेलियो G85 आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि फुल सपोर्ट करता है आपके पूरे के पूरे मोबाइल के सीपीयू को, यानी कि सीपीयू मतलब पूरे ही सिस्टम को आपके मोबाइल के, आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है, आपके मोबाइल को जो हीट होता है उसको बचाता है, बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है उससे ज्यादा बैटरी फूल रही है आपकी तो उसको रोकने से बताता है, इवन आपके काफी सारे ऐसे मोबाइल्स के अंदर ऐसे पासवर्ड होते हैं उनको भी वो सिक्योर करके रखता है, इवन उन्हें हैक नहीं होने देता गाइस। 4 GB रैम के साथ आपको ये लॉन्च होगा। बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो इसकी 16.26 सेंटीमीटर की डिस्प्ले होगी, जो कि ऑलरेडी डिस्प्ले जाने वाली गाइस इसकी। तो आप ये समझ सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले है एक नॉर्मल साइज पर आपको मिलने वाली है, इवन अगर आप अपने मोबाइल के अंदर वीडियो वगैरह कुछ भी देख रहे हैं इवन, तो आपको थोड़ी सी देर या यूं कहें कि काफी देर तक भी अगर आप देखते रहेंगे तो आपका हाथ जो है दर्द नहीं होने वाला है गाइस। तो मोबाइल की अगर ऑफिशियली हम बात करें, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, तो इसको डिजाइन काफी अच्छे तरीके से किया गया है, कंफर्ट है, वेट इसका ज्यादा नहीं है, 175 ग्राम के आसपास इसका वेट है, जो कि एक नॉर्मल से भी कम वेट है। लुक आप ऑलरेडी देख रहे हो, पीछे ग्लास इसका कितना अट्रैक्टिव बनाया गया है। बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल हम कैमरों के अंदर गाइस, कैमरे किस टाइप के जाने वाले, तो यहाँ पे इस मोबाइल के अंदर आपको ओवरऑल 4 कैमरे यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैन कैमरा आपको 48 MP का मिलेगा, जो कि प्राइम एंजल कैमरा होता है। सेकंड कैमरा आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंजल कैमरा होता है, एंड थर्ड कैमरा आपका 2 MP का, जिसपे हम बात नहीं करेंगे गाइज, जो कि माइक्रो कैमरा होता है, बहुत बड़ा रोल होता है लेकिन उसको मैं ज्यादा ब्रीफ कर नहीं सकता। बात कर लेते हैं इसमें और आपको क्या क्या मिलेगा। LED फ्लैश मिलेगी, हॉटस्पॉट्स आप इसके अंदर ऑन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर बड़ा जो भी एक सारी की सारी फैसिलिटी होती है। फ्रंट कैमरे की बात करेंगे यहाँ पे हम गाइस, 13 MP का यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी मिल रहे हैं आपको, प्लस इसके अंदर एक फैसिलिटी और मिलने वाली है कि अगर आप अपने मोबाइल को अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इवन आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है दूसरा, तो आप उस पर टाइमर लगा के अपनी वीडियो को एज पर
अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे शूट भी कर सकते हैं गाइज। जैसा होता है ना यार, देखा होगा पुरानी मूवीज वगैरह में, कैमरे को लगा के टाइमर लगा के फोटो क्लिक करा के भाग के आते तो फोटो क्लिक करते हैं, सेम वही मिलने वाला। बैटरी की बात करेंगे, बैटरी 5000 mAh में आपको यहाँ पे बैटरी मिलेगी, 33 वाट का इसमें आपको टर्बो पावर चार्जिंग मिलेगा भाई, फास्ट चार्जिंग यहाँ पे मिलने वाला है आपको इसके अंदर। सी पोर्टल पे मिलेगा, यानी यूएसबी पोर्टल जिसे नॉर्मली से कहते हैं, डेटा लगाया निकाला, सॉरी तार लगाई उसको निकाल दी, सेम वही इसी तरीके जैसा आप देख पे हो गए ऑलरेडी। डुअल सिम आप इसके अंदर यूज कर पाएंगे, 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। वाटर रेसिस्टेंस होगा पूरी तरीके से, पानी में डूब जाए टेंशन नहीं पानी की। डस्ट प्रूफ होगा, स्क्रैचेस प्रूफ होगा, मतलब स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, यानी कि आपका वाटर रेसिस्टेंट हो गया, डस्ट रेसिस्टेंट हो गया एंड आपका स्क्रैचेस रेसिस्टेंट हो गया। तो यार काफी सारी फैसिलिटीज मोबाइल में आपको ऑलरेडी मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस मोबाइल के प्राइस की। तो प्राइस मेरे हिसाब से इस मोबाइल का जो प्राइस है, 21,000 रुपये अभी एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा तो 18,000 रुपये की रेंज के अंदर ये प्राइस अगर आता है तो ये मोबाइल आपको खरीद लेना चाहिए गाइस, क्योंकि इसके एक्चुअल में वैल्यू 15 और 18 के बीच की ही वैल्यू है, इससे ज्यादा की इस मोबाइल की वैल्यू है नहीं। लॉन्च कब होगा इस पर बात करेंगे, तो लॉन्चिंग डेट जो इसकी बताई जा रही है, अभी एक्सपेक्टेड बताई जा रही है, वो 19 अप्रैल बताई जा रही है, यानी कि 19 अप्रैल को ये आपको मार्केट में गाइस लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको कंटेंट, कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन? कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, भाई कितना भी कोशिश करूं शॉर्ट में समझाने की, वीडियो बड़ी हो ही जाती है 5 से 6 मिनट की। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को अगर शेयर कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाइस। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो प्लीज अपना और अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखें, आप अपना मास्क सैनिटाइजर कंटिन्यू यूज करते रहें। आज के वीडियो में बेसिकली इतना ही था, कल देखते हैं फिर एक नई मोबाइल, देखते हैं कौन सा होने वाला है रिसेंटली में लॉन्च, तो उस पर वीडियो ब्रेक करेंगे। चलिए ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का।